अब हेलो, मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा बनारसी बिटकॉइन बाप, जो कि इंडिया के बहुत बड़े चैनल में से एक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम बनारसी जी। और दूसरी तरफ हमारे साथ है क्रिप्टो आजकल, जो कि बहुत तेजी से ग्रो करती इंडिया के चैनल है। दोस्तों, हम वेलकम करना चाहेंगे क्रिप्टो आजकल के क्रिएटर को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप क्रिप्टो मैनसर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। और क्रिप्टो आजकल जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आप भी लोग इसमें धन्यवाद शामिल हुए। हिमांशु सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम स्टार्ट करने वाले। देखिए, अभी क्रिप्टो की दुनिया में अभी आप देखेंगे तो क्रिप्टो रेगुलेशन आने वाली है, ठीक है। उसे लेकर हम अवेयरनेस प्रोग्राम हम तीनों लोगों मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ की दोस्तों हम आप सभी को बताने चाहेंगे कैसे आप अपने पैसे को सिक्योर करके रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये अवेयरनेस प्रोग्राम काफी इंपॉर्टेंट हो गई है मार्केट में, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है कहाँ किस प्रोजेक्ट में एंट्री लेना है, किस तरीके से एंट्री लेना है, और साथ ही साथ रेगुलेशन आने वाली है। तो इस पे हम तीनों जो लोग हैं आप सभी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा क्रिप्टो अवेयरनेस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, क्रिप्टो आजकल जी आप कुछ अपनी मत रखें। सर, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी जो देखा जाए मार्केट में जो भागम भाग मची है टोकन्स की, आते हैं कुछ दिन प्री सेल्स के नाम पे बस लूट के चले जाते हैं। ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि हमें अपना चैनल चलाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो, जैसा कि आप देख रहे होगा। मैं अभी 2-3 दिनों से मैं चैनल पे वीडियोस भी मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल स्पेशली प्री सेल का ही था। तो ऐसे सिचुएशन में हो क्या रहा है कि लोग जो है, मैं लोगों को चाहता हूँ कि एक अच्छा टोकन ला के दूँ, ताकि मेरे चैनल के जो भी व्यूअर्स हैं उनको प्रॉफिट हो। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे टोकन हैं जो स्कैम करके निकल जा रहे हैं। तो जितना भी मैं रिसर्च करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ आ ही जाती है। तो ऐसे में मैं अब थोड़ा रुक के वेट करके, और मैं सोचता हूँ कि कुछ अब जो है कुछ अलग ढंग से काम करूँ, ताकि जो है लोगों के पास में बिल्कुल जो है एक सही प्रोजेक्ट उनके पास में जाए और उनसे वो प्रॉफिट बुक कर सके। और उसके लिए बस हमें यही करना होगा, जो अभी आने वाला जो समय है, जैसा कि आपको पता ही है कि रेगुलेशंस आने वाले हैं मार्केट में, ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग जो है बातचीत चल रही है। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि हमें जो है स्कैम टोकन्स को, अब खास करके ऐसे स्कैमर्स को सपोर्ट पहले भी नहीं करते थे, लेकिन अब जो है चूंकि सरकार भी अब हम लोगों के साथ है, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलके कम से कम पहले से कुछ और बेहतर प्लान करें, ताकि जो है ऐसे लोग जो है बिल्कुल मार्केट से आउट ही हो जाए। उसके लिए हमें यही करना होगा सर, कि जो कोई भी अगर आपसे प्रमोशंस के लिए कांटेक्ट करते हैं कि सर मेरा टोकन ऐसा है, मेरा टोकन ऐसा है, इसका प्रमोशन कर दो वीडियो, तो वैसे लोगों का तब तक हम वीडियो ना बनाएं जब तक कि उसका जो है फुल वेरिफिकेशन ना कर ले, उनका कुछ आईडी प्रूफ ना ले ले, या फिर कुछ ऐसा जो हमको लगे कि हाँ ये आगे चल के 100% ये जो है टोकन लोगों को प्रॉफिट देने वाला है, ना कि भागने वाला है। मेरा ओपिनियन तो सर यही रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद औरव जी, आपने बहुत यूजफुल बातें शेयर की है वीडियो में। और औरव जी, मैं आपको जरूर से कहना चाहूंगा, ये रुक है दोस्त औरव जी, कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे टोकन भरे पड़े हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, अगर क्रिप्टो रेगुलेशन आने वाली है, रेगुलेशन के पहले जो है स्कैमर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, क्योंकि उन्हें भी पता है रेगुलेशन के बाद वो स्कैम नहीं कर पाएंगे। इस पे हम अपना थोड़ा सा मत लेना चाहेंगे। इंडिया के काफी बड़े चैनल से बिलोंग करते हैं बनारसी बिटकॉइन बाप। दोस्तों आपने चैनल को देखा ही होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप नहीं जानते हैं। और क्रिप्टो आजकल का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों बनारसी जी, आप कुछ अपनी मत रखिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ बहुत यूजर्स आपको सुनना भी चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। और हिमांशु जी का भी चैनल बहुत ही अच्छा है खासा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग इनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। और क्रिप्टो आजकल जी का भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी इनका चैनल चेकआउट कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि हिमांशु जी भी बहुत ही अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बताते रहते हैं, लेकिन क्या है कि उस पर एकदम वेरीफाइड टोटली करके करते हैं, लेकिन हमको हमारा ये क्वेश्चन है कि कैसे उसको किया जाए कि वो सही प्रोजेक्ट है, या फिर कैसे लोगों को पता लगे, मतलब कि कैसे बताया जाए, तो इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे ये पता चले कि वो प्रोजेक्ट टोटली वेरीफाइड है, कैसे है, क्या है, क्योंकि देखने से सारा कुछ सही लगता है, हम लोगों को भी सही लगता है, क्योंकि वो लोग इस तरीके से कॉन्टेक्ट करते हैं, विश्वास दिलाते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इस पे, बताएं।
बिल्कुल बिल्कुल बनारसी। देखिए मैं यहाँ पे दो मत रखना चाहूंगा। देखिए सारे अभी देखिए तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि अभी देखिए रेगुलेशन आने वाली है, रेगुलेशन के पहले सारे स्कैमर्स मार्केट में एक्टिव है, वो सभी चाहते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे बना के निकल ले। तो बनारसी जी यहाँ पे बस मैं दो बातें इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो कोई भी टोकन मार्केट में आती है, अगर आप कार्डेनो को देखिएगा, एडा कार्डेनो बहुत फेमस क्वाइन है, मैटिक हमारी इंडिया की क्वाइन है, वजीरेक्स टोकन आप सभी जानते हैं। इन सभी टोकन को अगर आप देखिएगा तो इन सभी टोकन के जो ये है एडमिन है, वो लाइव आके आपसे मतलब उनकी फेस आप जानते हैं, अगर वो कभी स्कैम करके निकलेंगे तो लोग उसे तुरंत पकड़ लेंगे, पुलिस तुरंत पकड़ लेगी। तो नए टोकन के साथ भी हमें लगभग कुछ ऐसा ही करना चाहिए। जब तक कोई बड़ी जैसे याहू फाइनेंस हो गई, ये सारे बड़े मतलब प्लेटफॉर्म है जहां की टोकन के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो हमें बस यही करना चाहिए कि कोई भी नए टोकन आए तो कम से कम उनके जो एडमिन है वो सामने आके कम से कम अपनी फोटो दिखाए, वीडियो में बात करें, जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के एडमिन करते हैं, जो कि अभी नई प्रोजेक्ट मैटिक बहुत नई प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने। एडा को ले लीजिए, वो बार बार लाइव आके बातचीत करते हैं। तो क्या दिक्कत है जब नए टोकन को कोई उन्हें दिक्कत लगता नहीं है, वो स्कैम करने नहीं आए तो वीडियो पे क्यों नहीं आते, ये मेरा डाउट है। क्या बनारसी जी आप इससे सहमत है? एकदम सहमत है सर जी, आपका एकदम करेक्ट ओपिनियन है जो कि बहुत ही अच्छा खासा आपने दिया यहाँ पे, क्योंकि सही बात है कि जो भी प्रोजेक्ट्स हो उस पे कम से कम उनके एडमिन जो है सामने आए, ये बात आपका एकदम 90 से 99% आपका सच है। एक चीज और मैं एड ऑन करना चाहूंगा सर, जी जी इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी जो मार्केट में जिस तरह से प्री सेल्स है, तो हमें मोस्टली क्या है कि प्री सेल्स पे ही ध्यान देना है, ताकि लोग जो है ज्यादातर जो लोग फंसते हैं वो प्री सेल्स में फंसते हैं। जो प्री सेल्स का टोकन आता है, तो इसमें क्या होता है कि लोग जो है प्री सेल के नाम पे पैसे इकट्ठे करके वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए दो तीन चीज मोस्टली आप सब देखेंगे, जो भी अपने व्यूअर्स भाई सुन रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि थोड़ा चेकआउट कैसे किया जाता है। तो उसका सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि उसका वेरीफाइड जो है अकाउंट होना ही चाहिए, है ना। और जो दूसरी है उसकी वेबसाइट बिल्कुल सही होनी चाहिए, टेलीग्राम ट्विटर ये सब बिल्कुल ओके होनी चाहिए, है ना। और जो सबसे अच्छी बात होनी चाहिए इसमें कि लोग उन्हीं पे ट्रस्ट करें जो बिल्कुल सामने कम से कम आए आपके सामने और वो बताएं कि हाँ मैं इसका ओनर हूँ, ठीक है, हाँ मैं ये क्रिएटर हूँ। अभी क्या हो रहा है कि जैसे देखोगे आप कार्डानो देखते हो आप, तो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट्स को अगर आप उठा के देखोगे तो सभी के जो सीईओ जो भी क्रिएटर्स हैं डेवलपर्स हैं एवरीथिंग ओके वहाँ पे आपको वेबसाइट पे मिलता है कि हाँ इसके ये हैं। लेकिन अभी क्या होता है प्री सेल्स के नाम पे ये कोई देश रहते तो इंडिया के ही है या एशिया में कहीं कहीं आप बात कर लो, लेकिन वो दिखाते हैं जैसे कि नाम जो है फॉरेनर्स का यूज करेंगे कुछ भी ऐसा नाम जॉन, मैं किसी का नाम ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कुछ भी नाम रख देंगे जो इंग्लिश नाम होगा और वो एक्चुअली में इंडियंस रहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना है और उनको जो है बिल्कुल सामने आना पड़ेगा, अपना फेस बताना चाहिए, लोगों को बताएं कि हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट है और सही मानसिकता से आए चलाएं अच्छे ढंग से। लोगों को बाय का भी सिग्नल मिलेगा, जब वो अच्छा काम करेंगे तो हम लोग की तो तरफ से 100% रहेगा ही रहेगा कि हाँ भैया ये सही प्रोजेक्ट है, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, हमारे जो भी व्यूअर्स भाई हैं उनको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, सही बात बस यही है सर जी। बनारसी भाई ये मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है लोगों को कितनी परसेंट अपने पोर्टफोलियो की नई कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और नई कॉइन कितनी ज्यादा रिस्की हो सकती है? बनारसी भाई आपकी कॉल लगता है मुझे थोड़ी मफल हो रही है आवाज, कृपया आप अपने नेटवर्क को चेक कीजिएगा। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो हेलो शायद नेटवर्क इशू हो सकता है। हाँ वही औरव जी मैं कह रहा था, मैं तो अपने मतलब हर एक वीडियो में कह देता हूँ, भैया देखिए कोई भी नए प्रोजेक्ट आए कितनी भी अच्छी प्रोजेक्ट हो, लेकिन आपकी जो 97% इन्वेस्टमेंट होती है ना, मान लीजिए आपके पास $100 लगाने को, तो 97 जो है ना आप सीधे बड़े प्रोजेक्ट बना लीजिए, जैसे कि एडा हो गई, मैटिक हो गई, पोलका डॉट हो गई, आपकी फेवरेट प्रोजेक्ट कोई भी हो सकती है। जैसे मेरी अगर मैं फेवरेट प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मैं पोलका डॉट को खासा पसंद करता हूँ, प्रीफर भी करता हूँ। तो अपने को लोगों को सबको अपनी एक
प्रोजेक्ट पसंद करनी चाहिए कि जो उन्हें लगता है नहीं भैया ये अच्छी जा सकती है, टॉप 100 में से, और 97% जो अपने इन्वेस्टमेंट है उन्हीं प्रोजेक्ट में डालनी है जो कि अच्छे पुराने प्रोजेक्ट है, और नए प्रोजेक्ट के लिए बस बिल्कुल आपको बिल्कुल तीन सर, परसेंट रखना है। क्या और जी? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सहमत हूँ जी सर। सर, जी अपने सर, अपने बिल्कुल पसंदीदा टोकन होने ही चाहिए। जैसे मैं पसंद करता हूँ वजीरे मैटिक, मुझे बहुत पसंद है इन टोकन्स में, मेरी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी हो रखी है। तो सभी के अपने अपने, लेकिन एक स्ट्रांग प्रोजेक्ट होना ही चाहिए आपके पास में। जैसे इथेरियम हो गया, बिटकॉइन, तो आपके पोर्टफोलियो का कम से कम 50% इथेरियम और बिटकॉइन में होना ही चाहिए, है बिल्कुल। बनारसी ना। सर आप भी उसके कुछ? बाद ये जी बनारसी सच भी आ गए। जी जी सर, वहाँ पे क्या है जी, आप सही बोले वहाँ पे, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो का 3%। देखिए मैं क्या कहता हूँ, देखिए ऑलरेडी जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने, मतलब कि जैसे कि अपने, जैसे कि जितना वो लोग कमाते हैं उसका कम से कम 10% यहाँ पे उनको लगाना चाहिए, जितना वो लोग करते हैं। और उसके बाद जो 10% होता है, उस 10% में से भी जो 4 या 5% होता है उतना प्रीफिल में निवेश करना चाहिए। क्योंकि देखिए कम ही पैसे में उनको बनना रहेगा तो बहुत सारा बन जाएगा। अगर उनको कहीं ना कहीं प्रीफिल में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, रिस्क को कैपेसिटी को देख करके वहाँ पे किया जाता है, तो इस चीजों के लिए 3% से लेकर 4% तक उन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपने सही बोला, अच्छा खासा बोला। और क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि लोग क्या करते हैं कि तुरंत सोचते हैं कि ये लगा करके उसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो हाँ ये सच है, लेकिन क्या है कि बहुत सारे मार्केट में जैसे कि प्रोजेक्ट आजकल देख रहे हैं आए दिन आते रहते हैं, तो उसमें क्या इस तरीके का नहीं हो पाता है। हाँ जी, और 50% मैं इसलिए बोल रहा हूँ लोगों को बिटकॉइन इथेरियम में, कि क्या होता है कि अगर बिटकॉइन, अगर आप देखोगे कि अगर 5% अगर डंप आता है, तो अल्ट क्वाइंस जो है 10 से 15 या 20% तक की डंप आती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका पोर्टफोलियो क्या होता है, एक मेंटेन होता है। इसलिए बड़े टोकन्स में रहना चाहिए। तो अगर 5% अगर वो बिटकॉइन डंप आता, तो उस समय आप उसको सेल आउट करके आप अल्ट क्वाइन खरीद सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी सही है। बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी औरव जी, मैं इस स्ट्रेटेजी को सच्ची बता रहा हूँ बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ, और बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रिक है। लेकिन आजकल का जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम था वो बेसिकली स्कैम से बचने के लिए था, तो मैं फाइनल वर्डिक्ट आप सभी का लेना चाहूंगा कि क्या आगे भी हमें इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए जिससे कि लोगों तक यस फ्री सर, और सटीक जानकारी पहुंचाया जा सके। क्योंकि बिल्कुल देखिए सर, होनी चाहिए। और बड़े बड़े चैनल और भी जितने भी चैनल हैं उन सबको भी अवेयरनेस करना चाहिए। हम लोगों ने चलो शुरुआत करा है, बाकी सभी चैनल को भी मौका मिलना चाहिए और अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए कि किस तरह के टोकन को अब वो बाय करें या ना करें, उनको अवेयर करें। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल अल्टीमेटली हम ही लोग स्कैमर्स के प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम लोग उसका प्रमोशन करते हैं और हिस्सा बन जाते हैं हम लोग, और लोगों का नुकसान हो जाता है। हम लोगों को क्या है कि हम लोग प्रमोशन नहीं करते हैं, लोग खुद ऑलरेडी बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई ये प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, वो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ। तो हम लोग को उस पर वीडियोस लाना पड़ता है, क्योंकि हम कम्युनिटी से हैं, क्योंकि हम लोग उस चीजों को प्रमोट नहीं करते। हमारी कम्युनिटी बोलती है कि भाई उसके बारे में आप बताइए बताइए बताइए, फोर्स करती है। तो हम लोग ना चाहते हुए भी बनाना पड़ जाता है। तो बराबर हाँ ऐसा क्यों ना एक काम किया जाए, आपको जिस प्रोजेक्ट में एक डाउट रहे, मतलब थोड़ी सी जैसे मुझे डाउट है और जी को डाउट है, और जिस भी प्रोजेक्ट के मतलब एडमिन सामने ना आते हैं, तो हम क्लियरली वीडियो में आपसे क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे भैया इस प्रोजेक्ट की जो एडमिन है वो आपके सामने नहीं आए हैं, अगर इसके बाद भी आप बाय करना चाहते हैं तो फिर ये आपकी रिस्क पे होगी क्योंकि आपका 100% पैसा डूब सकता है। क्या बनारसी जी? जी जी सही बोल रहे हैं, बिल्कुल और अब जी ये बताइए क्या ये सही रहेगा ना बिल्कुल, कि जब एडमिन सामने नहीं आ रही तो ये इन्फॉर्मेशन यूजर्स के साथ शेयर किया जाए? बिल्कुल सर, उनको कम से कम अपने वेबसाइट पे मेंशन करना ही चाहिए कि उसके एडमिन कौन है, उसके क्रिएटर्स कौन है, उसके डायरेक्टर कौन है, वो बिल्कुल वहाँ होना ही चाहिए। क्योंकि ये होने से ही हमें क्या है कि लोगों को पता चलेगा, और फेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या चलता है कि जैसे सपोज कि मेरी पिक है, ठीक है, मैंने बनाया टोकन्स को, लेकिन मैं चाहूँ तो किसी हीरो का मैं डाल दूंगा या फिर किसी फॉरनर्स का उठा के डाल दूंगा, तो ऐसा चल रहा है अभी मार्केट में। तो ये चीज को भी वेरीफाई करना पड़ेगा हम लोगों को कि ये रियल है भी या नहीं बिल्कुल औरव है जी ना। बिल्कुल। अब देखिए हम जी बनारसी भाई औरव जी दोनों को मतलब एक मैं लास्ट पे एक ही बात कहना चाहूंगा, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम करते हैं प्रमोशन, तो अब इस बार से क्या करना है, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन के साथ साथ एएमए चलता है या नहीं चलता है ग्रुप में, क्या है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, मतलब क्या है रिस्क फैक्टर, ये भी साथ में ऐड करेंगे। जी, और दूसरी एक चीज और मैं कहना चाहूंगा सर,
कि देखिए अगर कोई सामने नहीं भी आते हैं तो उनका प्रोजेक्ट इतना पावरफुल होना चाहिए जिससे पता चले कि ये बिल्कुल स्कैम नहीं करने वाला है, ठीक है। लेकिन कोशिश जी हमेशा होना चाहिए कि उसका जो एडमिन है वो सामने होना ही चाहिए। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट जो है किसी एक्सचेंज तक बिल्कुल कंफर्म ट्वीट्स के साथ आ रहा है, ये एकदम दिखा रहा है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट उसमें जा सकता है। बिल्कुल बना जी चलेगा, जी 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 एकदम एकदम सही बात है एकदम सही बात है ना। तो फिर चलिए जी। आज से हम तीनों मिलके एक क्रिप्टो अवेयरनेस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अगर आप देखेंगे तो एप्पल की भी जो शुरुआत हुई थी एक छोटे से रूम से हुई थी, और आज एप्पल कहाँ पहुंचा हुआ है। तो बस हमारी तो यही मोटो है, और मुझे लगता है आप जो दोनों लोग हैं बहुत अच्छे काम करते हैं। मतलब क्रिप्टो आजकल की अगर मैं देखूँ तो ग्रोइंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन इन्होंने पहुंचाया है। और बनाते थैंक यू वाले तो सर। हमारे, मतलब समझ लीजिए, बहुत बड़े प्रोजेक्ट, मतलब कह लीजिए चैनल इतने अच्छे तरीके से चलाते हैं कि दिल से लगता है मैं 3-4 वीडियो तो ऐसे बैठ के देख लूँ। तो आप दोनों आए, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया आपका। लेकिन ये बस हिमांशु। यही कहना चाहूंगा कि आगे भी मैं आप सभी को मतलब लेके आऊंगा, और कोई भी स्कैम प्रोजेक्ट आती है तो हमारे तीनों के चैनल पे आपको वीडियो जरूर से मिलेगी कि ये स्कैम है और इसमें मत इन्वेस्ट कीजिए। क्या बनारसी जी? सर मैंने अपने जी जितने दिन भी हुए मेरे चैनल को चलाए हुए, अभी मेरा चैनल आप सबको पता है कि नया है, लेकिन बहुत जल्दी मैं जो ग्रो किया हूँ, और मैंने अभी तक 4 प्रोजेक्ट को स्कैम घोषित किया है और मैंने लोगों को बचाया है। अभी वो ऑलरेडी मेरे जो है वीडियो रन है मार्केट में, जिससे मैंने लोगों को बचा दिया पहले ही बता के कि देखो ये स्कैम प्रोजेक्ट है, और वो निकल भी लिया मेरे वीडियोस देते ही, बस बस मैंने क्या उनको रिबिल बनारसी कर दिया। बनारसी जी। जी चलिए तो आखिरी कुछ बातें अगर आप शेयर करना चाहें औरव जी और बनारसी जी, चलिए सेशन को यहीं एंड करते हैं। जी सर। थैंक यू और वेरी मच सर। यहाँ पे मैं जी कहना चाहता हूँ आप लोगों को थैंक यू कृपया हिमांशु जी। हिमांशु जी बता रहा हूँ आपको कि आप बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्मेंस देते रहते हैं सभी लोगों को। अगर जो भी लोग नए हैं यहाँ पे, तो मेरा भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आप लोगों को, और उनका भी मिल जाएगा क्रिप्टो आजकल जी का भी, और क्रिप्टो हिमांशु जी का भी, और वाराणसी बिटकॉइन बाप का भी, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। और आपको पता है कि ये जो क्रिप्टो हिमांशु जी हैं गजब की वीडियो बनाते हैं, मैं भी इनका देखता रहता हूँ, ठीक है। जो वीडियो देता है बिल्कुल वो बहुत ही, आप देखेंगे बहुत ही दमदार होती है इनकी प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जो भी लाते रहते हैं उसमें प्रॉफिट होता ही रहता है भाई साहब। और इनके कॉल थोड़े अच्छे रहते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा योगदान दिया यहाँ पे। बिल्कुल। चलिए हम अब आगे भी ऐसे कंटिन्यू करेंगे, व्यूअर्स का सपोर्ट अगर मिलता रहे तो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, और सभी के रिगार्डिंग अवेयर जरूर से करेंगे। थैंक यू बिल्कुल वेरी मच क्रिप्टो सर। क्रिप्टो अवेयरनेस के रिगार्डिंग जितने भी आते रहेंगे यहाँ पे, जितने बार भी हम लोग को जरूरत पड़ेगी, हम लोग ये सेशन लेते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे, और आप लोग बने रहिए, प्यार बस अपना दिखाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो है एड ऑन होता रहेगा, जो भी लेटेस्ट न्यूज आएंगे इसके रिगार्डिंग, तो हम लोग फिर से लाइव आते रहेंगे, चलिए बहुत बहुत नो धन्यवाद, और प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद क्रिप्टो आजकल, और बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू।